हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नीट यूजी 2022 की जो आपकी काउंसलिंग की डेट है वो कब तक आपकी रहने वाली है, आपकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होगी और आपके डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे आपके काउंसलिंग प्लस एडमिशन के टाइम पर। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना, कहीं भी स्किप मत करना। और हाँ, अगर चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जैसे कोई भी नए आपके लेटेस्ट अपडेट आते हैं काउंसलिंग से रिलेटेड तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर मिल जाए। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे बड़ी बात जो फर्स्ट डाउट ऑफ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स के मन में वो ये है कि आपकी काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी। तो देखो, आपकी जो काउंसलिंग है वो सितंबर लास्ट वीक और अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपको काउंसलिंग का शेड्यूल है ऑफिशियली रिलीज कर दिया जाएगा। ठीक है, ये आपकी काउंसलिंग की डेट्स के बारे में हो गया। अब बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो देखो, जो काउंसलिंग है आपकी, अब तक का जो आपका जितना भी आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराना, आपका एडमिट कार्ड, आपके एप्लीकेशन फॉर्म, ये सारा काम आपका NTA का था। ठीक है, लेकिन अगर आपको काउंसलिंग में अपीयर होना है, आप क्वालिफाई करा है आपने नीट, तो उसके लिए आपको दूसरी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। अब आपको कौन सी वेबसाइट पे विजिट करना है, MCC.NIC.IN, यहाँ पे आपको विजिट करना है। आपकी जो काउंसलिंग प्रोसेस सारी वो MCC कराता है। ठीक है, सारे आपको अपडेट जो है वहाँ पे मिलते रहेंगे। अब बात करते हैं, वो काउंसलिंग जो होती है आपकी वो राउंड्स में चलती है, प्लस आपकी दो टाइप की होगी। ठीक है, एक होगी आपकी ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग, एक होगी आपकी स्टेट कोटा से। ठीक है, स्टेट कोटा में एक ही माना, आप अगर राजस्थान के हो तो उसमें राजस्थान बोनाफाइड कैंडिडेट ही अपीयर कर सकते हैं, यूपी के हैं तो यूपी के ही कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऑल इंडिया कोटा में कोई भी स्टूडेंट आके फाइट कर सकता है और उसके मार्क्स इतने हैं तो उसको सीट अलॉट हो जाएगी। तो ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग होती है वो 15% सीट्स के लिए होती है, वहीं जो स्टेट कोटा की काउंसलिंग होती है आपकी 85% सीट्स के लिए होती है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है, बहुत सारे आपके स्टेट्स ऐसे हैं जैसे आपका दिल्ली है, आपका यूपी है, राजस्थान है, वहाँ पे जो है ना आपकी स्टेट कोटा की जो कट ऑफ है ना वो आपकी ऑल इंडिया कोटा से भी कभी कभी ज़्यादा चली जाती है। ठीक है, तो आपकी जो काउंसलिंग होगी वो राउंड्स में होती है। फर्स्ट राउंड होगी आपकी ऑल इंडिया कोटा का, आपने उसमें रजिस्टर करा, चॉइस फिलिंग करी, लॉक कर दी, आपके मार्क्स इतने हैं तो आपको सीट अलॉट हो जाएगी। अब अगर आपको लगता है कि आपका वो ड्रीम कॉलेज है, आपको जो चाहिए था, इतने मार्क्स थे मेरे, मुझे ये कॉलेज मिल गया, तो ठीक है, आप जाके रिपोर्ट करिए, अपना एडमिशन करा लीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स इतने हैं, आपको सेकेंड राउंड में जो आपको ड्रीम कॉलेज है वो मिल सकता है, इस राउंड में नहीं मिला है, किसी भी रीज़न से आप उस कॉलेज की ज्वाइन नहीं करना चाहते हो, तो आपकी फ्री एग्जिट होती है, तो आप उसको छोड़ सकते हो। ठीक है, लेकिन आपका सेकेंड राउंड में ऐसा नहीं होता है कि आप फ्री एग्जिट आपकी नहीं होती, वहाँ पर आपको पेनल्टी पड़ती है। इसी तरीके से आपकी स्टेट कोटा की काउंसलिंग चलेगी, राउंड वन, राउंड टू, मॉप अप राउंड्स, ये आपके चलेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपके मार्क्स अगर हैं तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अब बात कर रहे थे डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपके चाहिए होंगे। तो फर्स्ट आपको जो चाहिए होगा वो है आपका एडमिट कार्ड, नीट का जो आपका एडमिट कार्ड है वो आपको चाहिए होगा, रैंक लेटर चाहिए होगा आपका, आपका स्कोर कार्ड, जो आपका रिजल्ट आया उसमें आपका रैंक लेटर होगा, स्कोर कार्ड होगा, वो आपको चाहिए। दूसरा है अलॉटमेंट लेटर, ठीक है, वो आपका आएगा, आप करोगे तो उसमें आपका अलॉटमेंट लेटर चाहिए। रोल नंबर, ये डॉक्यूमेंट की फॉर्म में नहीं चाहिए लेकिन आपको याद होना चाहिए आपका नीट का रोल नंबर क्या था। रजिस्ट्रेशन नंबर आपका नीट का। नेक्स्ट है आपका 10th सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट। देखो, 10th सर्टिफिकेट बहुत बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी से आपकी डेट ऑफ बर्थ को मैच करा जाता है। तो अगर किसी का 10th सर्टिफिकेट खो गया है, कोई प्रॉब्लम है, कोई डेट ऑफ बर्थ में कुछ आपकी दिक्कत हो गई, तो आपने चेंज कराने को दिया था, कुछ भी था, पर किसी भी रीज़न से आपका 10th का सर्टिफिकेट या मार्कशीट आपके पास नहीं है, तो अभी टाइम है, उसको प्रिपेयर करा लो। ठीक है, 12th का सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट। ठीक है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ऑब्वियसली बात है कि अगर आप स्कूल से कॉलेज में जा रहे हो तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपका लगेगा। TC आपकी चाहिए होगी और आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ठीक है, ये आपको सारे स्कूल से मिल जाते हैं। अब अगर जो ड्रॉपर्स हैं, जिन्होंने बीच में गैप लिया था, एक दो साल का ड्रॉप लिया था, उनका आपका गैप सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, ड्रॉपर्स के लिए, फ्रेशर्स के लिए नहीं है, आपका गैप सर्टिफिकेट लगेगा। वहीं जो आपकी अब आते हैं रिजर्वेशन सर्टिफिकेट्स। ठीक है, तो इसमें होता है कि आपके जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनका तो कोई रिजर्वेशन नहीं होता, लेकिन जो आपकी रिजर्वेशन कैटेगरीज है, आपकी OBC SC ST हैं, उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट होता है, अगर आपने वहाँ पे फिल करा है। ठीक है, आप रिजर्वेशन कैटेगरी से हो, आप चाहते हो आपको वो कोटा मिले, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा। ठीक है, आईडी प्रूफ में क्या, आपका आधार कार्ड, आपका पासपोर्ट, ये ड्राइविंग लाइसेंस जो आपका, वो एज अ आईडी प्रूफ कंसीडर करा जाता है। ठीक है, PWD सर्टिफिकेट्स, अगर जो स्टूडेंट्स ने डाला था PWD तो उनको वो सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। ठीक है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ चाहिए होंगे, मिनिमम 5 आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि कुछ हमारे NRI कैंडिडेट्स होते हैं,
उनके लिए, ठीक है, उनके लिए स्पेशली है, बाकी सबके लिए नहीं है। ये वाला जो आपका लास्ट वाली लाइन से NRI कैंडिडेट्स के लिए है, उसमें है आपका पासपोर्ट कॉपी ऑफ स्पॉन्सर्ड एम्बेसी, ठीक है, ये आपको चाहिए होगा। स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट चाहिए होगा, प्लस आपका रिलेशनशिप एफिडेविट चाहिए होगा स्पॉन्सर से, यानी कि स्पॉन्सर से आपकी क्या रिलेशनशिप है उसका एफिडेविट चाहिए होगा, ये NRI कैंडिडेट्स के लिए। तो यहाँ मैंने आपको पूरा कंप्लीट बताया है कि आपकी डेट्स कब से स्टार्ट होने वाली है काउंसलिंग, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस किस तरीके से रहने वाला है, आपके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे। बाकी जब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होती है तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा रजिस्टर करके बताऊंगी कि किस तरीके से आपको रजिस्टर करना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर कर देना। चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और हाँ, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलना, उसको जाओ जा करके ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। बाकी कोई फर्दर आपके डाउट्स अभी भी रहते हैं, कोई क्वेरीज हैं, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।